गंगा में डूबे दो बच्चे, एक की लाश बरामद। कौशाम्बी जिले में मवेशी चराने गए दो बच्चे गंगा नदी में डूब गए। मवेशी चरा रहे दूसरे लोगों ने बच्चों को डूबते देखा तो बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद एक बच्चे की लाश मिली जबकि दूसरे की तलाश जारी है। सूचना मिलने पर कोखराज पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोखराज थाना क्षेत्र के नासिरपुर गांव निवासी स्वर्गीय रामदेव का 20 वर्षीय पुत्र धीरज और राम मिलन का पुत्र विनोद कुमार गंगा नदी के किनारे मवेशी चराने गए थे। दोनों बच्चे मवेशियों को गंगा में उतार कर नहला रहे थे। नहलाने के बाद मवेशी की पूंछ पकड़ कर वो दोनों बाहर आ रहे थे कि अचानक हाथ छूट गया और दोनों बच्चे गंगा नदी में डूबने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर वहां मवेशी चरा रहे दूसरे लोगों ने डूब रहे बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद धीरज की लाश मिली जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। दोनों जानवर चराने आए थे भैंस, और जानवर चराते समय वो जो है तो भैंस की पूंछ पकड़ के उस पार करना चाहते थे। अचानक भैंस की पूंछ छूट गई दोनों के हाथ से, दोनों गंगा जी में डूब गए हैं। अच्छा, किसी का शव बरामद हुआ है अभी? नहीं, मछुआरों द्वारा जो है तो जाल डलाई गई है तो एक का शव बरामद हुआ है, एक अभी खोजबीन चल रही है, वो भी मिल जाएगा उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोशन लाल, ग्राम प्रधान पट्टी नाल। थाना कोखराज के नासिरपुर गांव के दो बच्चे भैंस को चराने गए थे और नदी में जाने पे यार उनके दो बच्चों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है और दूसरे बच्चे के खोजबीन की जा रही है।